अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ताशिफाई यूट्यूब चैनल पे। और इस वक्त मैं एक स्टोर में आया हूँ जिसका नाम है योतबोरी ओरिएंट हाउस। ये गौतमबर्ग का सबसे बड़ा ओरिएंट हाउस है। ओरिएंट हाउस मैंने आपको बताया था वो स्टोर जहाँ पे जो अरबियों की शॉप है, जहाँ पर आपको स्वीडिश नहीं बल्कि ईरानी, इराकी और पाकिस्तानी और बाकी कंट्रीज़ की चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर मैं आया हूँ, यहाँ पर मैं बेसिकली चावल लेने आया हूँ, क्योंकि जो चावल हम लेते हैं वो बाकी शॉप्स के ऊपर मुझे छोटा पैक मिल रहा था। दूसरी सबसे बड़ी वजह, यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं गोश्त, और उसके अलावा यहाँ पर आप सब्ज़ियाँ भी बड़ी अच्छी ले सकते हो। तो मैं बड़ा क्विकली रन डाउन करूँगा डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर, वो आप देखते जाइएगा और फिर इस को देखते हैं कि क्या आपका प्राइस कंपेरिज़न है। और उसके अलावा क्या नाम लेते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलें जी, कैमरा मोड़ता हूँ और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसी चीज़ें हैं। इस वक्त मैं ब्रेड सेक्शन में हूँ। तो नॉर्मली अगर आपने नान वगैरह जैसी कोई सिमिलर चीज़ लेनी है तो ये एक ब्रेड है यहाँ पे, जिसको आप बेसिकली कबाब वगैरह या हम लोग जैसे शोरबे वाली चीज़ें बनाते हैं तो उसके साथ खा सकते हैं। ये 25 की है, ठीक है। इसी तरह फिर हम बहुत अरसे तक, अब हम नहीं खाते लेकिन हम बहुत अरसे तक ये इस तरह की पीटा ब्रेड या लीबा ब्रेड भी बोलते हैं इसे, हम खाते रहे हैं। ये बेसिकली ब्रेड है, 7 क्राउन का पैकेट आता है, लेकिन आई वुड टेल यू कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है ब्रेड। इसी तरह फिर वो जो नान की तरह का एक और ब्रेड है, वो ये शेप है उसकी, और इसकी प्राइस तकरीबन कोई 15 क्राउन है। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चले जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर ब्रेड है मॉर्निंग के लिए, या वैसे आपने सैंडविच वगैरह के लिए खानी है, तो ये 30 क्राउन की है। इसके लिए फिर अब हम आगे चले जाते हैं। केला यहाँ पर 14 का लगा हुआ है। ये इनका सब्जियों का सेक्शन है, जहाँ पर आपके पास शलजम वगैरह कोई 20 क्राउन का किलो है। हम ये देखते जाएं, हम देखते हैं जी ब्रोकली जो सी है वो 22 की है। कुछ सब्जियां यहाँ पर सस्ती होती हैं, कुछ महंगी। अब जैसे ये भिंडी आई हुई है और ये काफ़ी फ्रेश भिंडी है लग रही है, ठीक है जी, और ये 95 की केजी है ये। अच्छा जी, यहाँ पर इनके ये खीरे बड़े अच्छे हैं, 44 के मिलते हैं किलो। फिर इसी तरह मैंने आपको सेब वहाँ पर दिखाए थे, 29 से ले कर 30 तक, यहाँ पर 24-25 का सेब लगा हुआ है। फिर आगे आ जाते हैं हम। ऐसी शॉप्स के ऊपर आपको आलू और प्याज बड़ा सस्ता मिल जाता है। आपको याद होगा शायद 12 या 10 का था वहाँ पर आलू, यहाँ पर आलू की प्राइस है तकरीबन 9 का किलो। और इसी तरह यहाँ पर जौन सा है प्याज, वो तकरीबन है कोई 8 का किलो। अच्छा, एक और मैंने आपको बात बतानी, जो खाने पकाने के लिए जो हांडी वगैरह में डालने के लिए येलो प्याज यूज होता है, लेकिन अगर आपने आपने अगर सलाद वगैरह का वो टेस्ट लेना तो फिर उसके लिए आपका ये रेड प्याज यूज होता है, और रेड प्याज थोड़ा सा महंगा होता है, जैसे 12 का किलो है। अच्छा जी, यहाँ पर ये फिर इनके पास धनिया, जो हम नॉर्मली धनिया यूज़ करते हैं, ये वाला धनिया है, ये तकरीबन 20 की गट्ठी है, और इसी तरह पुदीने की भी। फिर मैं आपको बड़ी जल्दी दालों वाले सेक्शन में लेके चलता हूँ, जहाँ पर आपको दालों का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा यहाँ पर क्या है। अब ये देखें, सारे का सारा यहाँ पर जैतून लगा हुआ है, सारे का सारा ऑलिव लगा हुआ है। तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो इराक, ईरान और अरबियों के मुल्कों में खाई जाती हैं। अब जहाँ दालें हम नॉर्मली यहाँ से नहीं लेते, लेकिन ये जैसे चने की दाल है, ये 25 क्राउन की लगी हुई है। उसके बाद आप आ जाएं जी, ये मसूर की दाल है, ये जैसे कितनी है, ये 900 ग्राम, ये तकरीबन कुछ 17 ग्राउंड की लगी हुई है, ठीक है। दालों की मुझे एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी, इसकी भी आपको मैं बताऊं प्राइस। ये चने हैं, चने जो उनसे हैं 29 के लगे में। लेकिन चने के लिए मैं आपको एक और बड़ी अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे चने ना हम लोग, दैट इज़ द ओनली चीज़, जो ओनली थिंग जो हम लोग ना बनी बनाए ले जाते हैं, और वो बड़ा इजी रहता है। उबले हुए चने होते हैं ऑलरेडी, वो ये पैकेट। तो बेसिकली ये दो हैं,
15 ग्राउंड के, तो 400 ग्राम जो उनसा है वो 15 ग्राउंड का आपको मिल जाता है। अच्छा मैं आपको इधर पाकिस्तानी खाने दिखाता हूँ, पाकिस्तानी मसाले दिखाता हूँ। वो लगे हुए हैं कहीं पे, मुझे पता है ये इन्होंने भी वो पाकिस्तानी मसाले भेजना शुरू कर दिए। अच्छा ये सारे के सारे मसाले हैं, गर्म मसाला और ये सारे के सारे मसाले हैं, गर्म मसाला और बाकी जो उनसे हैं ये तकरीबन 9 से लेके और 16 तक का पैकेट है। अच्छा अभी मुझे एक बंदे ने पीछे से धिक्का मारा, वो पता नहीं समझ रहा था कि मैं शायद रास्ते में खड़ा हूँ, लेकिन दैट वाज वेरी इम्प्लॉयड। तो उसको मैं ज़्यादा अटेंशन इसलिए नहीं दे सका क्योंकि मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अच्छा एक और मैं चीज़ ढूंढ रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर नॉर्मली हम यहाँ पे गोश्त वगैरह लेने के लिए आते हैं, तो गोश्त वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है और इनका जो गोश्त है वो हलाल गोश्त है, ठीक है। तो आपको ये देख सकते हैं सारे का सारा इधर गोश्त लगा हुआ है। और ये सारे का सारा लैम लगा हुआ है, तो तकरीबन 130 का किलो है और ये 115 का। अच्छा जी उसके बाद यहाँ पर फ्रोज़न ये जितने भी आपको हॉट डॉग्स वगैरह हैं यहाँ पे ये हलाल मिल जाएंगे, जो उनसे हैं आपके क्या बोलते हैं मैं सॉसेजेस। फिर फ्रोज़न भी मिल जाएगा आपको गोश्त अगर आपने लेके जाना है, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी बोटियाँ होती हैं इसकी, देखें ये है और ये 99 का पर केजी है, तो ये मेरे ख्याल से 6 किलो का है। वहाँ पर आपको 130 का मिल रहा था फ्रेश और ये 99 का पर केजी है। अच्छा जी उसके बाद मैं बेसिकली ढूंढ रहा हूँ। अच्छा ये काफ़ी बड़ी शॉप बनी हुई है इधर, ये अब ये सारा इनका फ्रोज़न एरिया है, ठीक है जी, ये सारे का सारा फ्रोज़न एरिया है, पीछे वो डेयरी की सारी चीज़ें हैं। मैं बेसिकली ढूंढना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए पाकिस्तानी मसालों का सेक्शन, जहाँ पर ये शान वगैरह के मसाले, लेकिन मैंने आपको बता दिया था वो सारे अवेलेबल हैं, 10 से 15 ग्राउंड का पैकेट आता है, मैंने आपको अपने पिछले लाइव में भी दिखाया। तो चलें जी और टाइम वेस्ट नहीं करते और हम चलते हैं चावलों वाली साइड पे जो मैं लेने के लिए आया हूँ इधर आज। तो अगर आपको चावल चाहिए, अच्छा ये सारा का सारा टॉयलेटरी का है, और इधर से हमें बेसिकली क्या चाहिए, एक हमें पैकेट चाहिए हूस होल का और वो लगे हुए हैं इधर। ये वाला पैकेट एक ले जाते हैं, ये तकरीबन है कोई 29 ग्राउंड का। अच्छा जी अच्छा ये सारी ड्रिंक्स वगैरह है यहाँ पे, और जैसे इधर भी 16 की ही पेप्सी लगी हुई है, तो इधर इन चीज़ों में आपको कोई इतना बड़ा वो गेन नहीं आता। अच्छा ये लगा हुआ जी मेरा चावल का रून का, ये चावल हम खाते हैं मेरे ख्याल से सेला बासमती और ये सेला टाइप चावल है, लेकिन ये बहुत इजी है इसको पकाना और हम बड़े अच्छे से इसको यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तानी चावल है और भी यहाँ पर पाकिस्तानी बहुत सारे चावल हैं, वो देखें ये पूरी की पूरी लाइन ये जो सी चावलों की, ये ऑलमोस्ट सारे पाकिस्तानी चावल हैं। ये जो सा है चावल इंडिया से भी हैं, चावल इंडिया से भी आ रहे हैं चावल यहाँ पर बहुत ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे ख्याल से इंडियन है चावल, ये देखें शिवा, ये इंडियन चावल है यहाँ पे पड़ा हुआ, ये 280 का 10 किलो है, ठीक है। लेकिन मैं ये लेने लगा हूँ कारून क्योंकि हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं बड़े अरसे से, और ये 215 का 10 किलो है, 110 का 5 किलो वाला। तो हम एक पैकेट ये वाला उठा लेंगे। अच्छा जी उसके अलावा हमें एक चाय का पैकेट चाहिए, चाय 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 हम चाय यूज़ करते हैं पीजी, और पीजी चाय का फ़ायदा ये है कि वो बड़ी डार्क है, ये वाली ये बेसिकली 300 हैं इसके अंदर और 129 क्राउन का है यहाँ पे, और ये नॉर्मली विलेज वगैरह से भी मिल जाती है, लेकिन विलेज से छोटा पैक मिलता है उधर, इनका ये बड़ा पैक नहीं मिलता बड़ी इजीली। तो ये जो सी चाय है ये बहुत अच्छी चाय हम लोग यूज़ करते हैं, मज़े की चाय है। अच्छा जी थैंक यू जी, आप लोगों ने वीडियो देखी, आपको बड़ा क्विक सा मैंने कंपैरिजन दिया है कि यहाँ पर
अरबियों की शॉप्स पे क्या प्राइसेस हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ऑफ कोर्स मैं सारी प्रोडक्ट्स के पीछे नहीं जा सकता, लेकिन मैंने आपको आइडिया दे दिया है। आप मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, उसमें कूप के ऊपर वो जो प्योर स्वीडी शॉप है उसकी मैंने प्राइसेस को दिखाया था। यहाँ पर मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को दिखा दिए जो हम यहाँ से ख़रीदते हैं। यहाँ से ज़्यादा गोश्त खरीदते हैं, चावल है, ये जो चाय की पत्ती है ये ज़्यादा यहाँ से ली जाती है, और उसके अलावा ये कैचअप्स और चटनियाँ वगैरह, अगर आपने गार्लिक और स्पाइसी वाली वो लेनी है, हाँ, और अगर आपको हलाल नूडल्स चाहिए तो वो आपको यहाँ से मिलेंगी। नॉर्मली वो इका या कूप वगैरह के ऊपर जो चिकन के फ्लेवर हैं वो हलाल नहीं होते। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये अब ये जो उनसी नूडल्स हैं, अगर ये इनमें कुछ चिकन फ्लेवर है तो ये अब इसकी प्राइस यहाँ पे 5-5 crown की लगी हुई है। ये नूडल ये देख रहे हैं आप, 5-5 crown की ये लगी हुई है सारी की सारी। तो लें जी, ये था बड़ा क्विक सा टूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और आगे मुलाकात होती रहेगी। हाँ, एक और बड़े क्विकली आपको कुकिंग ऑयल वगैरह दिखा दूँ। ये कुकिंग ऑयल लगे हुए हैं, ये जैसे 3 किलो वाला 63 का लगा हुआ है। इसी तरह ये बड़े लगे हुए हैं, तो ये सारे के सारे कुकिंग ऑयल लगे हुए हैं जिसमें आप अच्छे खासे पैसे सेव कर सकते हैं अगर आप यहाँ से ख़रीदते हैं। तो लें जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें, और ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।